हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पता नहीं आप लोगों को पता चल रहा है कि नहीं, पर मेरे चेहरे में कितनी स्वेलिंग हो गई है। अभी मैं अपने आप को स्क्रीन पे देख रही हूँ तो पता चल रहा है। वैसे कैमरा पे थोड़ा सा ज्यादा ही स्वेलिंग लग रही है, इतनी नहीं है पर फिर भी हुई है। पर अच्छी बात यह है कि मेरी जो एक बहुत ही हाई पावर वाली मेडिसिन थी ना, वो आज ओवर हो गई है। मतलब उसका आज एक लास्ट डोज बने लिया है, तो होपफुली अभी एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर में थोड़ा सा वाटर रिटेंशन बॉडी से कम होगा, तो जो आपको स्वेलिंग दिख रही है वो अच्छा हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। पर हाँ, आज वो मेडिसिन ओवर हो गई है। अब देखती हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वापस से कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा, अगर ठीक नहीं रहा, चलिए क्यों सोचने का बुरा, सब ठीक ही रहेगा। कौन सो के उठ गया? देखिए कौन सो के उठ गया, नीमू सो कर उठ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नीबू। पिलो को देख करके आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा हम लोग कैसे सोते हैं आजकल। याद है मैं डिस्कस कर रही थी कि दिक्कत हो रही है बेड में सोने में। पहले हम लोग ऐसे सो रहे थे, तो यहाँ पे अंगद, यहाँ पे नीबू, वहाँ पे मैं, तो चौड़ाई कम है बेड की और नीबू को बहुत स्पेस चाहिए, तो दिक्कत हो रही थी। तो करे क्या, बेड तो चेंज कर नहीं सकते, कॉट की अलग चेंज करने की जगह नहीं है, रूम छोटा है। तो फिर दिमाग लगाया कि क्यों ना हम लोग ऐसे सोना स्टार्ट करें। तो क्या ये किंग साइज बेड है ना, तो चौड़ाई इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। तो अभी क्या होता है, थोड़ा इजी पड़ गया है नींबू, उस कोने में मैं सुलाती हूँ उसको, तो एक तरफ से उसको सपोर्ट भी होता है, गिरने का डर नहीं होता। इस तरफ में मैं सो जाती हूँ, यहाँ पे अंगद सो जाता है, तो नींव के लिए बहुत स्पेस मिलती है। एक्चुअली जो ये आप पिलो देख रहे हो ना, ये यहाँ पे रहता है अंगद का और यहाँ पे रहता है मेरा, और उतनी जो पूरी जगह है वो नींव को मिलती है अलटने पलटने के लिए। तो इस हिसाब से ना मुझे लगता है ये सही तरीका है, आराम से हम लोग 1 साल तो निकाल ही सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि डायरेक्शन भी सही है, तो डायरेक्शन के हिसाब से भी देखा जाए तो बेस्ट सूटेबल है वहाँ पे सर रखने के लिए, वास्तु के हिसाब से। तो हर हिसाब से ये जो है हमारा सेट हो गया है। तो नींबू को कोई दिक्कत नहीं होती ना, नींबू अभी दिक्कत नहीं होती ना, उधर कोने में सोने में फुल स्पेस मिलता है, पूरी जगह मिल जाती है, तो आराम से हमारा 1-1.5 साल तो कट जाएगा। 1.5-2 साल में नीव को उसके रूम में शिफ्ट करेंगे, ये मैं अभी आपको बोल रही हूँ। और ये सेम बात मैंने अंगद को बोली है, क्योंकि अंगद और मेरे ना जिसमें सोच है थोड़ी सी अलग है। तो बेसिकली अंगद जो है वो बहुत ही जल्दी इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिपेंडेंट स्लीपर हो गया था, तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया था, उसको बहुत जल्दी उसके रूम में शिफ्ट कर दिया था। मेरे केस में मैं जब तक 8 साल की नहीं हो गई तब तक मेरे पेरेंट्स के साथ मैंने को स्लीप किया है, बाद में मुझे मेरे रूम में शिफ्ट किया गया, तो मुझे थोड़ा पैम्पर करके पाला गया है और अंगद को पूरा इंडिपेंडेंट बनाया गया, प्रैक्टिकली पाला गया, विच इज वेरी गुड फॉर अ सन। क्योंकि उससे क्या हुआ, अंगद मुझ पे उतना डिपेंडेंट नहीं है हर चीज के लिए, मुझे ये दो मुझे वो दो, तो मेरे इन लॉज ने बहुत सोच समझ के उसको इंडिपेंडेंट बनाया, बहुत ज्यादा पैम्पर नहीं किया। और मैं तो बेटी हूँ, बेटियों को तो करते ही है पेरेंट्स, तो मेरी कहानी अलग है। तो हम दोनों को पाला अलग तरीके से गया है, इसलिए हम दोनों की को समझ नहीं आता कि नीव के साथ क्या किया जाए। मैं कहती हूँ रहने दो, जब तक वो को स्लीप करना चाहेगा, हमें जब तक यहाँ पे स्पेस है वो सोएगा। अंगद कहता है नहीं, 1.5-2 साल से ज्यादा रखेंगे नहीं, उसको उस रूम में डालेंगे, उसको जरूरी है खुद से रहना, खुद से सीखना। तो देखते हैं क्या किया जाएगा, वो तो समय बताएगा, पर फिलहाल के लिए ये जो बेड अरेंजमेंट है ना, ये मुझे सही लग रहा है। ये बच्चा पता है कहाँ पाया गया है? ये बच्चा पाया गया है इसके नीचे, वो वाला देख रहे हो आप रेड बॉटल, उसके साथ खेलने के लिए घुस गया था। अब घुस तो गया, अब उठने में उसको चोट लग सकती है, फिर धीरे धीरे अंगद टैक्टफुली उसको बाहर निकाला है, मिल गया, हो गई शांति। यस, देखिए बस रेड कलर तो इतना अट्रैक्ट करता है बच्चों को ना, कुछ भी रेड हो तो चाहिए ही चाहिए। आसपास खा के हम लोग करेंगे जुबा के सरिया। अब बिजी है, फुल बिजी है। चलिए अभी फ्री हुई हूँ ना, तो फटाफट जा रही हूँ सलून और बालों का ट्रीटमेंट करा के आ रही हूँ। देखिए मेरे बाल जो हैं बिल्कुल फ्रीजी बेजान रूखे सूखे से हो गए, तो कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा, तो सलून जाके इसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ, आपको पता है मेरे पास छोटा बेबी है, बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं सलून जाऊं और कोई भी ट्रीटमेंट लूं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाल मेरे ऐसे ही रहने वाले हैं, मैं घर पे ही कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे मुझे सलून लाइक हेयर मिल जाएगा, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है, जल्दी हो जाएगा और खुद से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बी ब्लेंड का, देखिए इस हेयर मास्क के बारे में। तो अगर आपके बाल बिल्कुल फ्रिजी है, उनमें कोई जान नहीं है, चमक नहीं है, और आपके पास टाइम नहीं है कि आप सलून जाए कुछ ट्रीटमेंट ले, तो घर के कम्फर्ट से ही खुद से आप अपने बालों को सलून लाइक फील दे सकते हैं। बी ब्लेंड लेकर आया है आपके लिए इंटेंस शाइन हीट हेयर स्पा मास्क, जिसमें है राइस और सिल्क प्रोटीन और शाइन टॉनिक, जो देता है आपके बालों को इंस्टेंट ग्लॉस एंड शाइन इन जस्ट 5 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको बी ब्लेंड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है, उसके बाद बालों को थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए और डैम्प्ड हेयर में आपको लगा लेना है ये हेयर मास्क। अच्छे से हेयर मास्क को पूरे बालों पर अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद जो ये सेल्फ हीटिंग कैप है इसे आपको पहन लेना है। इस कैप को पहन
पहनने के बाद में हल्के हाथों से आपको मसाज करना है और बस 5 मिनट के बाद गिव इट अ रिंस एंड यू आर डन। ये मास्क आपके बालों पर इंटेंसली काम करता है और देता है आपके बालों को ग्लॉसी शीन लुक, और सेल्फ हीटिंग कैप इन्हेंस करता है स्मूथ टेक्सचर एंड ईजी टू मैनेज हेयर बनाता है। तो रिजल्ट में आपको मिलता है शाइनी सॉफ्ट एंड गॉर्जियस हेयर जो देता है सलॉन लाइक फील, वो भी घर के कम्फर्ट पे। देखा बालों पे कैसी शाइन ऐड हो गई है, एंड जब आप इसको टच करोगे ना तो स्मूथ टेक्सचर हो गया है बिल्कुल, जैसे कि मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया है सलों से। आप एक बार ट्राई करिए फिर आपको पता चलेगा मैं आपको क्या बोल रही हूँ। बाल मेरे कम्प्लीटली ड्राई है पर देखिए बिल्कुल भी फ्रीजी नहीं है। तो जब भी ना हेयर की बात आती है ना तो बी ब्लंड मेरा गो टू ब्रांड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूँ। तो अगर आपको लेना होगा ये प्रोडक्ट तो मैंने लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ये लेते हैं बी ब्लंड के वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड Shona2024 बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बी ब्लंड के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं, एंड इनकी एक इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि जब भी आप बी ब्लंड का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमन दैट दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लंड शाइन अकेडमी। और इन्होंने ठान रखा है कि इन्हें 10,000 वुमन अक्रॉस नेशन एम्पावर करना है। तो प्रोडक्ट भी अच्छा है, रीजनेबल रेट पे है एंड कॉस्ट भी अच्छा है, तो प्लीज एक बार चेकआउट करिएगा, लिंक मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज तो लग रहा है 100% 1000% मैं तो बोल रही हूँ बारिश आने वाली है। ये देखिए वाह, पक्का बारिश होगी आज दोपहर को, बादल उधर से आ रहे हैं। आ जा। नींबू का ओ तेरी तो दिखिए, दिखाओ नींबू क्या पहना है। नहीं नींबू को कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस प्लास्टिक उखाड़ना है इसका। इधर का पूरा जो आप ये क्लीन देख रहे हो ना, ऑल क्रेडिट गोज टू नीव। अब ये इधर वाला भी इसको उखाड़ना है, रोज बेचारा मेहनत करता है इसको क्लीन करने का। खत्म हो गई अंगद की, फटाफट खाना लगा रही हूँ, गर्म कर रही हूँ। और आज देखिए ना कुक को क्या प्यार आया, उसको आते रहता है ओकेशनली प्यार मुझ पे और भैया पे, पूरी बना दी है। अब उसको कौन बताए कि ये जो प्यार है ये हमें भारी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरी ये सब नहीं खाते हैं नॉर्मली। अब बना दिया तो ठीक है, अब कल आएगी तो बोलूंगी। एक्चुअली क्या ना मौसम हो गया थोड़ा सा ठंडा, तो उसको लगा हुआ कि पूरी बना देते हैं, और बैंगन का बनवाया है सब्जी वो सूखा करके, उसको लगा अच्छा लगेगा, पर हम लोग खाते नहीं ना, प्रॉब्लम वो है, अच्छा नहीं लगता उतना, तो बनाया है तो खा लेंगे कोई नहीं। वैसे भी वो थोड़े गिल्ट ट्रिप पे है, मैंने कहा ना कि जब से वो नींबू की नैनी का जो है हुआ है तो उसको थोड़ा गिल्ट भी लग रहा है, उसी ने लगवाया। बाय द वे नैनी का अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, अपडेट मिल गया है मुझे क्या होने वाला है वो पता चल गया है, तो मैं आपको आराम से बताऊंगी जब नींव सो जाएगा ना, फिर थोड़ी सी स्टोरी है वो बतानी पड़ेगी, बैक स्टोरी, तब आपको समझ आएगा। पर बारिश आई नहीं कि इन दोनों का मजा देखिए, और जब बारिश एक्चुअली हो रही होगी तब नींबू सो रहा होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। नींबू बारिश आने वाली है। एनीवेज देती हूँ अपडेट नैनी के बारे में, कल फोन आया था उसका किसी और नंबर से, और उसने मुझे जो बात बताई वो सुन के मैं हो गई फुल्ली शॉक। मतलब मुझे आइडिया था ऐसा कभी ना कभी होगा, पर इतनी जल्दी होगा और सेम डे जब फोन आएगा उसी दिन होगा वो पता नहीं था। तो बेसिकली फोन पे उसने मुझे बताया कि दीदी मैं आज ही रात की ट्रेन से गांव जा रही हूँ, तो जो भी मेरी सैलरी बनती है आप कुक के हाथ से भिजवा देना। तो पिछले महीने उसने ज्वाइन किया था तो पिछले महीने 8 दिन काम किया था, वो सैलरी मैंने उसको ऑलरेडी 1 तारीख को दे दिया था ताकि 1 तारीख से फिर से नया महीना शुरू होगा तो नया सैलरी चलेगा 30 दिन का। तो 1 तारीख से 9 तक उसने काम किया तो 9 दिन की सैलरी आप मुझे भिजवा दो। क्या बात है, क्यों वो गांव जा रही है अब मैं आपको बताती हूँ। याद है मैंने शेयर किया था कुछ प्रॉब्लम थी उसके साथ में, कुछ घर का प्रॉब्लम था उसका जो कि सीरियस प्रॉब्लम था। तो एक्चुअली क्या प्रॉब्लम थी ना, ये जो कोविड आया था ना, आपको पता है कोविड में कितने जॉब लॉस हुए थे, स्पेशली जो दिहाड़ी वाले मजदूर थे उनकी तो बहुत दिक्कत हो गई थी क्योंकि सेविंग्स नहीं होती है, रोज का पैसा मिलता है, रोज की लाइफ चलती है। तो कोविड में कंस्ट्रक्शन वगैरह रुक गया था, वो ये लोग भी घर चले गए। घर जाने के बाद इसके पति ने ना बहुत सारा नशा वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था, और वो नशा वगैरह इतना करने लगा धीरे धीरे ना उसकी दिमागी संतुलन पूरी खराब हो गई। उसको ना ऐसा भ्रम होने लगा कि उसकी खुद की वाइफ उसे और उसके बच्चे को मारना चाहती है, 2 बच्चे थे इनके। उसके बाद इसने डोमेस्टिक वायलेंस शुरू कर दिया कि तुमने खाने में ये मिलाया है वो मिलाया है तो मारना चाहती हो, और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। काम वो करता नहीं था, गांव में रहे कैसे, अब लौट के तो आना ही है बैंगलोर काम ढूंढने। फिर बेचारी गांव से वापस आई 2022 में,
यहाँ पे आई तो उसके हस्बैंड ने कभी कहीं पे पेंटिंग का काम किया, कहीं पे छोटा मोटा कुछ काम करे, पर धीरे धीरे उसकी तबीयत और खराब होती गई और वो वायलेंट होता गया। इसको मारना पीटना रोज का इनका चक्कर था। फिर इस बेचारे ने डिसाइड किया कि मुझे खुद काम करना पड़ेगा। तो क्या काम करे, तो बच्चा देखने का ही काम इसने बोला कि मैं पकड़ूंगी, जहां भी काम करे वहां पे भी कुछ ना कुछ करके इसका हस्बैंड इसको इतना तंग करे कि इसको काम छोड़ना पड़े। मतलब ये एब्सेंट होना शुरू करे, अब कौन रखेगा ऐसे में, तो उसको निकाल दे। इस तरीके से 3-4 घर में काम करती थी, 2-3 महीने फिर उसको छोड़ना पड़ता था। अभी रिसेंटली भी वो लोग गांव वापस चले गए थे, वहां से वापस आए थे मेरे घर पे काम। अब क्या होता है, 6-7 महीना यहाँ पे रहती है, कहीं कहीं पे काम पकड़ती है, फिर और तबियत खराब होती है हस्बैंड की, परेशान होकर गांव वापस चले जाते हैं। यही इनका चल रहा था। तो मेरी कुक ने रखने से पहले मुझे ये बात बता दी थी साफ साफ कि देखिए दीदी, इनके घर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आप एक बार देख लो, पर जो ये लेडी है ये बड़ी अच्छी है, ये अच्छे से सब कुछ करेंगी, पर इनका हस्बैंड का जो है वो दिमाग ठीक नहीं है, तो ये लगा रहता है। मैंने ये सब सुन के समझ के भी मैंने बोला उनको बुलाऊं। फिर जब मैंने इनसे बात करी, बहुत रो रही थी कि मेरे हस्बैंड तो आप काम पे भी नहीं जाते हैं, घर में खाना खाने का पैसा नहीं है, मेरी एक बेटा है, एक बेटी, एक 9 साल की बेटी थी, एक 11 साल का बेटा था। मेरे हस्बैंड मुझे बच्चों से बात भी नहीं करने देते क्योंकि उनको लगता है कि मैं बच्चों को भी मारना चाहती हूँ, पर मुझे खाना तो बच्चों को खिलाना है, पैसे तो कमाने हैं, तो मुझे काम की बहुत जरूरत है ताकि मैं खाना एटलीस्ट मैं बना के नहीं दे सकती हूँ, मैं बनाऊंगी तो वो फेंक देंगे, पर एटलीस्ट मैं अनाज ला के रखूंगी तो वो खुद तो खिचड़ी वगैरह कुछ तो खिलाएंगे। और ये बेचारी जहाँ काम करती है या तो वहां खाना खाती है, जब काम नहीं करती है तो ऐसे दोस्तों के घर, जैसे मेरी कुक हो गई है, कोई और भी जो पड़ोस के लोग हैं वहां पे खाना खाती है। तो सब कुछ जानते हुए भी मैंने उसको रखा। मैंने अपने आप को यही बोला कि अगर मैं इसको मौका नहीं दूंगी या मेरे जैसे जो और भी लेडीज हैं जो मौका नहीं देंगी इनको ना, तो फिर ऐसे लोगों को काम में कौन रखेगा। मतलब अगर हम सब ये डर के सोचने लगे ना कि अरे इसके घर में प्रॉब्लम है तो कल वो काम छोड़ देगी तो मेरा फायदा नहीं होगा ना, तो फिर काम देगा कौन? फिर वो बेचारी अपने घर में करेगी क्या अगर वो इतनी मजबूर है? मैंने यही सोचा, मुझे आइडिया था कि 3-4 महीने से ज्यादा ये टिकेगी नहीं, तो मुझे लगा कि 3-4 महीने तो टिक जाएगी ना और इसको भी काम मिल जाएगा। वो बहुत बुरी हाल में थी। मतलब जब मैंने ये सुना कि हस्बैंड का ना मेंटल है ना, वो एक होता है कि हस्बैंड बदमाश है जान के कर रहा है, यहाँ पे वो लिटरली मेंटल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, वो इसीलिए ऐसा कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपको मौका दे रही हूँ, मुझे पता है आप शायद 3-4 मिनट अगर टिकोगे नहीं तो नहीं मैं करूंगी दीदी, मुझे बहुत जरूरत है, मैं सब अच्छे से करूंगी। तो ये जान बूझ के मैंने उनको रखा था कि ठीक है देखते हैं, कहीं ना कहीं था छोड़ेंगी, पर इतनी जल्दी वो पता नहीं था। तो रोज कुछ ना कुछ वो बोलती थी। एक्चुअली उन्हें पुलिस में भी FIR किया हुआ था, पुलिस पकड़ के इसके हस्बैंड को आज से 1 महीने पहले ले भी गया था, तो उसने देखा कि ये तो मेंटल है। मेंटल जब कोई होता है ना, जब कोई पागल होता है ना, तो उसमें कानून कुछ नहीं कर सकता है, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है, पागल खाने में डालना है, इलाज करवाना है, फिर कानून एक मेंटल इंसान को सजा नहीं दे सकता है, आपको वो मार भी रहा है फिर भी नहीं दे सकता है। वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो केस लेता नहीं है। अब मैं हूँ वकील, तो उसको ये भी पता चल गया कि मैं वकील हूँ, तो मुझसे कुछ ना कुछ पूछती रहती थी दीदी मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उसके कुछ NGOs के नंबर दिए, एक NGO मैंने बात भी करी थी कि क्या इसके घर में ऐसा ऐसा है तो क्या इसके बच्चों को कुछ हेल्प मिल सकती है। जितना मुझसे पॉसिबल हो पा रहा था मैं उनको रोज कुछ ना कुछ सजेस्ट करती थी और यही बोलती थी कैसे भी करके अपने बच्चों को हो सके तो कोई हॉस्टल में डाल दो ताकि आपके पति को के पास ना रहे, किसी दिन पति आपके बच्चों को कुछ ना कर दे। ये बहुत टेंशन में रहती थी, स्लो लर्नर थी, ठीक है, लेकिन ना ओवरऑल मुझे ठीक लग रही थी, पर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आज नहीं तो कल ये चलेगा नहीं इनका। ये देखिए कैमरा रखने का फायदा, आपसे बात करते करते मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा आंख खोल चुका है और इससे पहले ये बेड से निकलने की कोशिश करता, मैं भाग कर गई ले आई। क्या कर रहे थे तुम? क्यों उठ गए थे? भागने की तैयारी? सबको बोलो हाय। तो देखिए नैनी के साथ में मेरा सही नहीं चल रहा है, पहली वाली रखी तो जमा नहीं, दूसरी वाली जो है थोड़ा थोड़ा जमने लगा था, ठीक होने लगा था, तो उनकी तो अलग ही प्रॉब्लम थी। अब तीसरी ढूंढनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है कि नैनी ढूंढ लो मिल जाए। तो अब कल तो मुझे पता चला ही है कि ये नहीं लौट के आएगी, तो मैंने फिर से लोगों को बोला है, फिर से नेटवर्किंग स्टार्ट करी है कि कोई हो तो भेजना। तो अभी इस मंथ देखिए बीच मंथ में कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो अब तो जो मिलेगी वो 1 तारीख से ही मिलेगी, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते भैया। दुनिया में बहुत गम है, अपना गम तो बहुत कम है, अपना गम तो बहुत कम है, क्या करेंगे हम। हेल्थ मेरा थोड़ा बेटर हो जाता ना तो उतना दिक्कत नहीं था, पर हेल्थ में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए नींबू का अच्छा टाइम पास है यहाँ पे आकर के उसको देखता रहता है हिलता हुआ। अभी ना एक्चुअली हम लोग चाय बना रहे हैं, तो सोच रहे नींबू हमें चाय पीने दे 5-10 मिनट, पर ना एक्चुअली इतना बारिश हो गई है तो नीचे सब कुछ ना जमीन गीला है, तो नीचे भी लेके अभी जाएंगे नहीं, कुछ देर बाद जाएंगे। तो इसको है रूटीन फॉलो करने वाला बच्चा है, जाना ही है नीचे।
छत पे चलेंगे, छत पे जा सकते हैं। ये क्या है नीव, देखो हेलो, ये क्या बोल रहा है दीदी, क्या बोल रही है, हेलो दीदी, उसकी भी दो चोटी है देखिए नीवू की तरह ही। अरे हाँ नीवू तुम्हारी तरह दो चोटी है। अनीस के लिए दो कपड़े मंगवाए थे और इसको वॉश ही नहीं किया, देखिए टैग भी लगा हुआ है। अभी कबर्ड खोला तो मुझे दिखा, मैंने कहा चलो वॉश तो कर दूं तो पहन पाएगा। नीनो बम्बिनो ब्रांड का है, फर्स्ट क्राई से, कितना प्यारा है ना। मैंने बीच में रोम्पर पहनना छोड़ दिया था, अभी फिर से रोम्पर्स का शौक चढ़ा है मुझे। तो ये देखिए ये कॉटन के कितने प्यारे प्यारे रोम्पर्स है, वॉश कर लेती हूँ तो पहना पाऊंगी। नीवू को कौन खिला रहा है, पापा, नीबू को पापा खिला रहे। वाओ एकदम बाहर का देखिए नजारा, लेते लेते नीबू खा रहा है फुल एकदम, क्या बोलते हैं उसको, बारिश का एकदम माउंटेन वाला मौसम। फिनिश कर लो नीबू, थोड़ा सा है फिनिश कर लो, देखो गुड बॉय। हाँ स्पीड नहीं कम करना है आपको, फटाफट खिलाना है, कोई नहीं करेगा फटाफट एकदम। देखिए ओम्बियंस के साथ नीबू खा रहा है, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। नो 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 फिनिश, देखिए पैर से बैल्कनी में जो लाइट का काम होना था ना वो एक्चुअली हो चुका है। तो देखिए हमारा बैल्कनी कितना ज़्यादा भी ब्राइट लग रहा है, पीछे भी लाइट ऑन है और ऊपर भी लाइट ऑन है। फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, और अभी भी ये स्टूल यहीं पे रखा हुआ है क्योंकि कल बुलाया है अर्बन कंपनी वाले को, वो पूरा क्लीनिंग करेगा ना, ये सब करेगा, फिर टाइल्स वगैरह भी पूरा क्लीनिंग करेगा, तो ये काम में आएगा ना, ये हो जाएगा उसके बाद सोसाइटी को रिटर्न करूंगी। एक्चुअली हमारा नहीं है, सोसाइटी का स्टूल है, पर हाँ कल फाइनली ये सब क्लीनिंग वगैरह होके डन हो जाएगा। कितना ज़्यादा गंदा है वॉल देखिए, और ये जो है ना जो मैंने कहा था ग्रिल करना, ये अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि वो बंदा आया ही नहीं, तो ये अभी छोड़ दिया है। फिलहाल जितना है उतना करके रेडी करते हैं। पता नहीं आप लोग को लग रहा है कि नहीं, पर मुझे और अंगद को नीव आज लंबा लग रहा है क्योंकि इसने फुल पैंट डाला हुआ है, वरना जनरली हाफ पहनता है ना, बहुत लंबा लग रहा है। मैं अंगद को बोल रही हूँ अंगद बच्चा बड़ा हो रहा है अपना, देखो कितना लंबा लग रहा है, पर एक्चुअली पैंट भी थोड़ा लंबा है उसका, पर लग तो रहा है थोड़ा बड़ा बड़ा नीवू, थोड़ा तो बड़ा हो गया लग रहा है नीवू। सो के उठाया जस्ट अभी, और देखिए कुराफात जो चीज हाथ में उसको तोड़ देना है, हार एकदम बराबर कर दिया नीवू। इसका बेचारे का डाइपर, अंदर डाइपर है भाई, छोटा ही है मेरा बच्चा, डाइपर बेबी है अभी भी डाइपर में घूम रहा है, छोटा ही है। नीवू नीवू छोटे नीवू इन छोटे नीवू इन छोटे नीवू, ध्यान से देख रहे हो आप उसकी आंखें कि क्या चीज है जो मैं नेक्स्ट तोड़ सकता हूँ। देखिए नीचे वाला जब लाइट ऑन करती हूँ ना तो उसको बहुत हैरानी होती है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, तो लाइट को पकड़ने के लिए जाता है। नो 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 कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर जल्दी आओ जल्दी आओ। तो अंगद की है मीटिंग, तो वो मीटिंग अटेंड कर रहा है और मैं नीबू को लेके जा रही हूँ नीचे घुमाने के लिए, घुमा के लाऊंगी आधे घंटे के लिए, बस 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 जा रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं इसी के साथ यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और मैं इतना हड़बड़ बोल रही हूँ कि कभी भी सायरन बज जाएगा कि बाहर चलो, चले घूमी जाने चले, बाय बाय।